अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे लेक्चर है ये रिकवरी ऑफ फिनांस आर्डिनेंस 2001 का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर कहा जाए तो ये फिनांशियल इंस्टीट्यूशन की जो जान है, ये जो आपका सेक्शन 15 है, ये फिनांशियल इंस्टीट्यूशन की जान है। इसकी वजह क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। आज के हम इस वीडियो में सेक्शन 14 और सेक्शन 15 कवर करेंगे। जो अब बेसिकली ये डील किससे करता है, ये डील इस बात से करता है अगर एक बंदा है उसने बैंक से कर्ज़ा लिया है और अपनी ज़मीन को गिरवी रखवाया है, मॉर्गेज करवाया है, अब वो पैसे नहीं दे रहा तो बैंक के पास क्या क्या अख्तियारात हैं, वो कैसे अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। सबसे पहले हम सेक्शन 14 को बात करते हैं कि जनरल रूल की बात करें। जनरल रूल क्या होता है, पहले ये समझ लें कि आम तौर पे होता है कि अगर कोई बंदा किसी एक शख्स से पैसे लेता है और अपनी ज़मीन को कर रखवाता है गिरवी, मॉर्गेज करवाता है, कल को जो वो मॉर्गेजी है जिसके पास उसने ज़मीन को गिरवी रखवाया और जिससे कर्ज़ा लिया है, वो उसकी ज़मीन को बेचना चाहता है, तो वो अदालत में एक दावा फाइल करता है। तो जो दावा है उसके अंदर अंडर आर्डर 34 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ये कहते हैं कि अदालत सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी डिक्री देगी। प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होता है, प्रीलिमिनरी डिक्री ये होता है कि जनाब केस ये है कि जनाब इसने मुझसे क्या लिए पैसे। अदालत सबसे पहले ये फैसला करेगी क्या तुमने कर्ज़ा दिया है, अगर कर्ज़ा दिया है तो कितना दिया है, ये होगी प्रीलिमिनरी डिक्री। फाइनल डिक्री ये होगी कि उसको इजाज़त देगी कि हाँ अब तुम क्या करो, ज़मीन को बेच दो या उसका कब्ज़ा ले लो, जिस जो बंदा तुम्हें कर्ज वापस नहीं कर रहा। ये तो होता है जनरल रूल। अब आपका ये है फिनांशियल इंस्टीट्यूशन आर्डिनेंस 2001 क्या है, एक स्पेशल लॉ है। तो इसमें जो कवानीन भी स्पेशल है, इसमें स्पेशल कानून क्या है कि जब कभी बैंक बेचना चाहेगा, मॉर्गेजर होगा और बैंकिंग कोड के अंदर दावा करेगा कि जनाब क्या किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को मैं सेल करना चाह रहा हूँ मॉर्गेजर की, तो अदालत बजाए इसकी कि इस वाले झंझट में पड़े ऑर्डर 34 वाले, अदालत सीधा करेगी हाँ तुम सेल कर दो या फोरक्लोजर कर दो, उसकी प्रॉपर्टी को सीधा क्या कर दो, बेच दो। ये उसको सीधा ये ऑर्डर करेगी, ना कि अदालत पहले ये फैसला करने बैठ जाएगी कि प्रीलिमिनरी डिक्री देगी कि आया तुमने कर्ज दिया है नहीं दिया। इन झंझट में बैंकिंग कोर्ट नहीं पड़ेगी। इसकी एक वजह, इस आर्डिनेंस को लाने की एक वजह यह भी थी ताकि कम वक्त में स्पीडी फैसले किए जा सकें। अगली बात आती है सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 बात करता है कि आपकी जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी है इसको बेचना कैसे है, के अंदर डेफिनेशंस है। मॉर्गेज किसे कहते हैं, मॉर्गेज्ड मनी क्या होती है, रिजर्व प्राइस क्या होती है। और सबसे पहले ये समझ लें कि आपको ना इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मैं लिख ही देता हूँ। इसके साथ आपको जो डेफिनेशन है ना, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, उसका सेक्शन है 58, उसको भी लाजमी देखिएगा। उसके अंदर भी ये तकरीबन सेम ही डेफिनेशन थी। मॉर्गेज किसे कहते हैं, मॉर्गेज को सिंपल ये समझ लें कि ये पर्सन ए है और ये बी है, इसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, ये क्या करता है इससे पैसे ले रहा है और बदले में से क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी पी, और इससे क्या ले रहा है, पैसे, हम लिख लेते हैं मनी ले रहा है। तो ये क्या हो गया, बोरोवर, और ये क्या हो गया, क्रेडिटर। अब ये कर्ज लेने वाला है, ये कर्ज दे रहा है, तो जो इसने ये प्रॉपर्टी रखवाई है इसे क्या करेंगे, इसे कहेंगे मॉर्गेज प्रॉपर्टी। उसकी शायद मैंने हेडिंग नहीं लिखी, कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी जो इसके पास गिरवी रखवा दी है, जिसके बदले इससे पैसे लिए हैं, जो इसे पैसे लिए हैं इसे क्या कहेंगे, मॉर्गेज्ड मनी। अब इससे लिए 1,00,000 रुपए और साथ इससे कहे जनाब मैं तुम पे 10% इंटरेस्ट लूँगा, मतलब क्या हो गया 10,000, ये क्या हो गया 1,10,000, तो मॉर्गेज्ड मनी 1,10,000 रुपए कहलाएगी, ना कि 1,00,000 रुपए। एक बात आगे आ गई, रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस ये है कि जो प्रॉपर्टी है, जब इस प्रॉपर्टी को सेल करना है, जब इस प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उस वक्त इस प्रॉपर्टी की जो कम से कम वैल्यू होती है, आपको पता है जब हम एक ये मार्कर की प्राइस है ना 100 रुपए, अगर मैं इसे अभी बेचना चाह रहा हूँ तो ये 100 की नहीं बिकेगी, ये 70-60 रुपए की बिकेगी। तो ये रिजर्व प्राइस होती है कि अगर हम इसे फौरन प्रॉपर्टी को बेचें तो कितने की बिकेगी। ये हमारी डिफाइन की आपको समझ आ गई। तो आगे हम देखते हैं कि जनाब आपका जो बैंक है ये कब कब जो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। सबसे पहली बात आती है कि डिफॉल्ट बाय कस्टमर, कि कस्टमर क्या कर रहा है, पैसे पे नहीं कर रहा, तो आपका बैंक क्या करेगा, सबसे पहले नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस या नोटिस ऑफ डिमांड कहना से बेचेगा,
पहला नोटिस भेजेगा 14 दिन के लिए कि भाई 14 दिन है तुम्हारे पास, 14 दिन के अंदर अंदर क्या करो, मुझे मेरा कर्ज वापस करो। कस्टमर फिर नहीं करता, फिर नेक्स्ट दूसरा डिमांड नोटिस भेजेगा भाई फिर 14 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करो पैसे वापस करो, कितने दिन हो गए 28। फिर फाइनल नोटिस 1 महीने का टाइम देगा कि भाई दे दो पैसे नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी गियो। अब टोटल डेज कितने बन गए, 28 और 30, कितने बन गए 58 डेज टोटल है नोटिस के। अगर फिर भी वो नहीं देता तो आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को बगैर बैंकिंग कोड की इजाज़त के बेच सकता है। लेकिन उससे पहले एक प्रोविजन लिखी हुई है कि रिकवरी ऑफ रेंट प्लस प्रॉफिट, ये है कि जब आप उसे थर्ड नोटिस देना है ना उस वक्त आप देखें मोर्गेजर कौन है, ए अब इससे प्रॉपर्टी के पास गिरवी रखवाई है, अब इससे जो किराए आ रहे थे वो असल में तो के ए ही ले रहा था। अब जैसे ही थर्ड नोटिस गया ना इससे जितने भी प्रॉपर्टी से किराए आएंगे वो बी के पास जाएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा बी उसको लेगा। अब अगली बात प्रोविजो लिखी हुई है, अगर कोई टेनेंट है किराएदार बैठा है तो जैसे ही थर्ड नोटिस जाएगा किरायादार अब किराया ए को नहीं अब बी को देगा थर्ड नोटिस के बाद से। अगली बात आ जाती है इसके अंदर के जब आपकी जो बैंक है बैंक प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है तो अब उसके लिए क्या तरीकाकार है। सबसे पहले बैंक क्या करेगा, पब्लिक ऑक्शन होगी, बैंक इसकी तरफ जाएगा। पब्लिक ऑक्शन से मुराद है कि पब्लिक एट लार्ज के सामने उसकी बोली लगेगी प्रॉपर्टी की, जो चाहे उसको खरीद सकता है बंदा। फिर उसका तखमीना लगवाएगा रिप्यूटेबल वैल्यूएशन कंपनी से, एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के पैनल के अंदर है और वो उसे रिकग्नाइज करती है कि वैल्यूएशन कंपनी का काम क्या होता है। ये कंपनी का काम सिर्फ यही होता है कि प्रॉपर्टी का तखमीना लगाना, जैसे ये मार्कर है या मोबाइल है मार्केट में जाते हैं कि बताओ ये कितने का आप खरीदते हो, तो इसलिए कंपनी होती है जो बताती है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो उससे आपकी क्या करेगी, बैंक तखमीना लगवाएगा जिसे हम रिजर्व मनी के अंदर आगे जाके हम इसे देखते हैं। थर्ड नंबर पे अखबार के अंदर, एक इंग्लिश के अखबार में और एक उर्दू में, रिप्यूटेबल ये नहीं कि वो अखबार जो किसी के घर में नहीं जाता उसमें नहीं, डान कोई अच्छा अखबार जो भी हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल और उर्दू का जो भी नवाए वक्त कह ले जंग, किसी अच्छे अखबार के अंदर क्या दिया जाएगा आपका इश्तिहार दिया जाएगा। इश्तिहार के अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे, कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, पार्टिकुलर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर हाउस नंबर क्या है, किस जगह पे किस इलाके में, वो तमाम आप उसके अंदर पार्टिकुलर्स देंगे। फिर आप उस बंदे का मॉर्गेजर का मालिक का जिसने कर्ज लिया जिस तरह ए है इसकी सीन में, उसका नाम और उसका पता लिखेंगे। फिर आप आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज मनी लिखेंगे, आप बेचना कम कितने में चाह रहे हो। फिर आप उसमें लिखेंगे कोई इनकम्ब्रेंस, मिसाल के तौर पर क्या ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज है, क्या इससे लैंड रेवेन्यू, मिसाल के तौर पर इसने कोई टैक्स नहीं पे किया प्रॉपर्टी ने, या इसके ऊपर कोई टेनेंट बैठा हुआ है, कुछ भी इनकम्ब्रेंस है, कोई किराएदार बैठा है, वो भी आपने इश्तिहार के अंदर लिखनी है। फिर आपने इंटेंशन लिखनी है, बैंक ये उसमें एक स्टेटमेंट देगा कि बैंक चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को बेच दे। फिर आगे जनाब अगली बात आपकी रिजर्व प्राइस, ये वही बात है कि रिजर्व प्राइस में आपको मिनिमम अमाउंट कि भाई इससे नीचे नहीं हम बेचने वाले। प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, नीचे रिजर्व प्राइस में लिख देगा भाई हम 80 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे, अगर आपने आना कम अज़ कम 80 लाख का ज़ेन बना के आओ। अगली बात फिर लिखेगी कि प्लेस ऑफ सेल प्लस डेट एंड टाइम, किस जगह किस तारीख को और किस वक्त में आपकी पब्लिक ऑक्शन होनी है वो लिखा जाएगा। फिर अगली बात वो कर रहा है कि जैसे ही आपने वो ये जो नोटिस है आपने अखबार में तो दे दिया, इसके साथ आपने मॉर्गेजर को भी देना है और जितने भी लोग पर्सन हैं इंटरेस्टेड है उस एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी में उन तमाम को भी वो क्या देना, आपने नोटिस देना है। अगली बात यह आती है कि अब बैंक बेचेगा कब, जब ये अखबार इश्तिहार हो गया और ये नोटिस चला गया इसके 3 दिन के बाद, अब उसके पास अख्तियार जब चाहे वो बेच सकता है। बेचने की तारीख याद रखें, पहले प्लेस डेट एंड टाइम इसके अंदर अखबार के अंदर लिखा होता है कि किस तारीख को बेचना है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 15 है उसके सब सेक्शन 3-5 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप किस अंदाज में आपने सेल करवानी है, उसका मेथड क्या होगा। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि सेक्शन 25 और 26 को जो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह आपके रूल्स बना देगी वो होंगे, बहरहाल उसका हमारे से कंसर्न नहीं है। अगर हम सब सेक्शन 6 की बात करें तो वो कह रहा है कि आपका
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल बी एंटाइटल्ड इन इट्स डिस्क्रिशन टू पार्टिसिपेट। अच्छा, कह रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, जो आपका बैंक है, ये खुद भी ऑक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अब वहाँ जितने भी लोग ऑक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनसे इसको 10% हायर बिड लगानी पड़ेगी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सबसे हायर बिड लगती है 2 करोड़ रुपए। अब आपका जो बैंक है, इसको उसकी बिड से भी, उसकी जो बोली से 10% बढ़ के, मतलब 2 करोड़ 20 लाख कम से कम बोली लगानी पड़ेगी, तो फिर ये क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। उसके अलावा अगर आपका जो पर्सन है, मॉर्गेजर वगैरह, ये भी चाहे खरीदना, तो ये भी क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अगली बात ये आती है, अब आपका जो बैंक है वो सेल कर रहा है, जो उसने ख़रीद ली है, किस तरह सेल की तरफ चला गया है, एक बंदा उधर लीज पे बैठा हुआ है, किराए पे बैठा हुआ है, तो उसको किराए से बेदखल नहीं किया जाएगा। किराएदार को जब तक उसका एग्रीमेंट है तब तक बिठाई रखेंगे। शर्त ये है कि वो बंदा प्रॉपर्टी गिरवी रखने से पहले का बैठा हो। अगर बाद में बैठा है तो आपका जो है बैंक है फिर बोदर नहीं करेगा उसको, फिर अदालत में बात साबित करनी पड़ेगी कि जनाब मैं बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है कि गुड इंटेंशन से बैठा हूँ, मेरी ये नीयत नहीं थी कि मैं बैंक को तंग करूँ, कि बैंक जब तक मैं बैठा हूँ बैंक मुझे नहीं उठा सकता, मैं इस नीयत से नहीं बैठा, मैं एक, मुझे नहीं पता था कि इनका आपस में जो मेरा मालिक मकान है और बैंक का कर्जे का मसला चल रहा है, मुझे नहीं पता। अगर ये बात साबित कर देता तो बैंक अदालत उसे बैठा रहने देगी उस जगह प्रॉपर्टी पे। अगला हमारा आ गया सबसेक्शन 8 में, बात करता है कि जब भी एग्जीक्यूशन करेगा, अच्छा अब एग्जीक्यूशन और जारी बात है एक्शन और, तो उसका सेल डीड भी इख्तियार होनी है। अब प्रॉपर्टी तो आपके मोर जो है बैंक है इसके नाम नहीं है, तो जो बैंक है ये तसव्वुर किया जाएगा ये क्या एजेंट है, किसका एजेंट है, ये आपका एजेंट है आपके मॉर्गेजर का, ये उसके बिहाफ पे ही बेच रहा है, कानून ये समझेगा उसे, और उसकी जो सेल डीड है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बकायदा क्या होगी, रजिस्टर भी होगी। अच्छा, वो कह रहा है कि सबसेक्शन 8 के अंदर कि आपने जो रजिस्ट्रेशन डीड है, आपने सेल डीड तैयार करवानी है, इसके लिए जो आपका मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी क्या समझा जाएगा, एजेंट समझा जाएगा मॉर्गेजर का, बैंक समझा जाएगा कि ये उसका कारंदा है, नुमाइंदा है, एजेंट है, किसका एजेंट है, जिसे कर्जा लिया है मॉर्गेजर, तो उसको ये एजेंट समझा जाएगा और उसके बिहाफ पे ये बेच रहा है। जब ये ज़मीन बेच देगा तो कह रहा है कि उसको प्रॉपर आपकी सेल डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जा करवाना है आपने, 7 दिन के बाद आपने क्या करा है, अंदर अंदर एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट से मुराद ये कि आपने जाना है बयानात दे देने रजिस्ट्रार के पास जाके और ज़मीन अपने नाम लगवा लेनी है। जैसे ही अग्री सबसेक्शन 9 में कहा ज़मीन परचेजर के नाम लग जाएगी तो तमाम राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ किसके पास आ जाएंगी, जिसने ऑक्शन के अंदर ख़रीदा है वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, वो मुकम्मल मालिक बन जाएगा। अगली बात कर रहा है कि जो नेट प्रोसीड है सबसेक्शन 8-10 में, नेट प्रोसीड से मुराद है प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बिकी है, वो अब 1 करोड़ को आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कहते सबसे पहले आपने जो सेल के ऊपर खर्चा आया है, सेल के ऊपर जो खर्चा है वो खर्चा निकालना है, उसके बाद जितने मॉर्गेजी हैं, बहुत सारे 10 बैंक के अंदर वो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई, उनका तमाम का वो क्या देना है, कर्जा वापस करना है, फिर सरप्लस अगर कुछ बचता है वो वापस मॉर्गेजर को दे देना कि भाई ये रकम बची है तुम ले लो। सबसेक्शन 11 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच सोल्ड मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो कह रहा है जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी बिक गई है, बेचने के बाद जो सेल हुई है वो सेल कितने में हुई है, उसका उसके पैसों को कितना सेल पे खर्चा आया, कितना मॉर्गेजीज है उनको दिया, उन्होंने कर्ज वापस किया और क्या बचा, इसकी प्रॉपर एक अकाउंट शीट, इसका आपने क्या बनाना है, खाता बनाना है, एक लिस्ट बनानी है अखराजात की, ये आपने बैंकिंग कोड में जमा करवानी कि जनाब ये हमारे हमने कार्रवाई कर दी है। सबसेक्शन 11 ये कहते हैं। सबसेक्शन जो 12 है ये आगे बात कर रहा है कि ऑल डिस्प्यूट, अच्छा अगर आपको कोई डिस्प्यूट आ जाता है मॉर्गेजीज के दरमियान आ जाता है, सेल के दौरान आ जाता है कि जनाब हमने सेल प्रोसीड के पैसों को कैसे बांटना है, सेल कैसे होनी, उस तमाम का फैसला किसने करना है, बैंकिंग कोर्ट ने करना है, ना हाई कोर्ट कर सकती है ना कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बैंकिंग कोर्ट के पास अख्तियार है। सबसेक्शन 13 आ गया है। अब सबसेक्शन 13 से वो पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं जो आपके मॉर्गेजर के हक में जा रहे हैं। अगर सेल है
सेल को रुकवाना है तो कैसे रुकवाना है, ये कुछ ग्राउंड या कुछ बातें अगर आप अदालत में जाके करोगे तो अदालत सेल को क्या कर देगी, रोक देगी। पहली वो बात कर रही है कि आप ये अदालत में जा कहते हो कि जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बैंक, सर मैंने तो इसको रहन पर रखवाया नहीं, मैंने तो मॉर्गेज ही नहीं करवाया, तो ये उसे कैसे बेच सकता है, और ना मैंने कर्जा लिया इसके ऊपर। अगर आप पहला पॉइंट ये इस्टेब्लिश करते हो तो अदालत उधर ही रोक देगी सेल को, बैंक को कहेगी भाई ये सेल नहीं हो सकती। बी में वो बात करता है कि अगर आप अदालत को सेटिस्फाई कर देते हो कि जनाब जो बैंक का ये फ्रॉड कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है सेल के थ्रू फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड से मुझे क्या होगा नुकसान होगा, अदालत रोक देगा। सी में बात कर रहा है कि जनाब आपने जितनी मॉर्गेज मनी थी, आपने मिसाल करोड़ रुपया अदालत से कर्ज लिया था, आपने उसे वापस कर दिया, फिर किस बात की आप कहते हो सेल है, अदालत कहेगी रुक जाओ। डी आ गया, मॉर्गेजर और ऑब्जेक्टर डिपॉजिट इन द बैंकिंग कोर्ट, आप बैंकिंग कोर्ट में जो आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज मनी थी 1 करोड़ रुपया आपका था, वो हाजिर मौका बैंकिंग कोर्ट में रखते हो कि सर ये मेरा कर्ज था जो मैंने लिए, मैं वो वापस करता हूँ, इसको रोका जाए, अदालत रोक देगी। ये आ गया, वो कहता है अगर 14 में अगर वेयर एनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड द मॉर्गेजर और एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू शेयर इन रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हुज इंटरेस्ट इज अफेक्टेड, वो कह रहा है कि कोई भी बंदा, मिसाल के तौर पर एक घर है वो आपके 4 भाइयों के नाम है, एक भाई ने कर्जा लिया वो अब सेल होने लगी है, अब जो बाकी तीनों में से कोई भाई अदालत में जाकर है कि सर ये फ्रॉड हो रहा है, सिर्फ फ्रॉड का ग्राउंड अगर आप उठा लो अदालत के अंदर जाके तो अदालत क्या करेगी, रोक देगी आपकी एग्जीक्यूशन को, सेल की, सेल को रोक देगी कि भाई रुक जाओ। हाँ अगर तो वो बात कर रहा है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है सेल की, बेशक फ्रॉड के थ्रू हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उससे आपको कोई इंजरी नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर कर्ज लिया, हो सकता है प्रॉपर्टी या कोई और बिक्री है, लेकिन उसने तो अपना कर्ज वापस लेना है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर अदालत सेल को रोकेगी नहीं। की बात ये कर रहा है कि जो आपने जो सबसेक्शन 14 के अंदर या 13 के अंदर आपने जो एप्लीकेशन देनी है कि सेल को रोका जाए सेल को रोका जाए, वो आपने 7 दिन के अंदर अंदर देनी, कैसे, पब्लिक एक्शन का इश्तिहार है, आपने देखा यह एक्शन हो रही है, एक्शन क्या है हो रही है, आपने उसके 7 दिन के अंदर अंदर जांच में जाना है कि सर ये एप्लीकेशन पकड़े फ्रॉड हो रहा है, उसके बाद नहीं जा सकते, ये नहीं कि आप सोए रहे और वो जी क्या हुआ साल गुजर गया साल बाद उठे हो सर ये तो फ्रॉड, अदालत के कोई फ्रॉड नहीं है, 7 दिन के अंदर आएंगे तो अदालत आपकी बात सुनेगी, अदरवाइज आपकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन आपने अगर अपनी एप्लीकेशन देनी है तो आपने उसका 25% जो रिज़र्व अमाउंट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रिज़र्व अमाउंट हमने 80 लाख देखा था, तो 80 लाख का आपने 25%, ये गालबन 20 लाख बनता है, तो आपने 20 लाख रुपया अदालत में मौके पे जमा करवाना है तो अदालत आपकी एप्लीकेशन सुनेगी, अदरवाइज नहीं। वो कह रहा है कि जो आपके राइट्स हैं, आपके जितने भी इसमें अख्तियारात दे दिए गए हैं सेक्शन 15 के अंदर, वो कहता है कि जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस है, क्या अब अख्तियार है उसके पास सेल करने का, तो ये जो अख्तियारात हैं ये तमाम आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एडिशनल अख्तियारात समझे जाएंगे। एडिशनल अख्तियारात से मुराद है कुछ अख्तियारात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अख्तियारात है केस करने के, ये वो, तो ये उसका एडिशनल समझे कि वो बेच भी सकता है प्रॉपर्टी को, ये उसका एडिशनल अख्तियारात है। 17 पे आता है प्रोविजन कंटेंट, कह रहा है कि अगर तो कोई और लाभ पाकिस्तान में मौजूद है, कोई अदालत की जजमेंट आ गई है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। हमेशा याद रखें एक असूल है कि जो जनरल रहा है ऑलवेज सुपरसीड द जो स्पेशल लॉ ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉ। पहले ये जो केस थे ये CPC के तहत होते थे, अब ये किसके तहत हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फिनांस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। तो इसके तहत अब ये क्या हो रहा है कि अगर वो कह रहा है कि बेचना चाह रहा है सेल, तो कह रहा है कोई और लॉ में अगर कोई भी प्रोविजन मौजूद है वो लगेगी नहीं, आपका सेक्शन 15 लगेगा और बैंक के पास ये अख्तियारात मौजूद हैं, आप किसी और कानून का सहारा नहीं ले सकते।